सो हेलो स्टूडेंट्स, इन टुडेज लेक्चर हम बात करने वाले हैं रीडिंग एंड राइटिंग फिल इन द ब्लैंक्स की। कल लेक्चर में हमने कुछ बेसिक रूल्स डिस्कस किए थे। यस, आप लोगों ने वो नोट डाउन किए थे और उसके रिलेटेड हमने ये वर्कशीट सॉल्व की है। यस, एक एक करके वर्कशीट के क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, ऑप्शंस को देखेंगे और देखते हैं जवाब क्या आए हैं और किस वजह से ये जवाब प्लेस हुए हैं। सबसे पहली चीज़ जो हमने करनी होती है पैसेज सॉल्व करते हुए, वो कल भी हमने डिस्कस किया था कि हम कॉन्टेक्स्ट रीड करते हैं। कॉन्टेक्स्ट की पैराग्राफ किस बारे में बात कर रहा है ये पता होना ज़रूरी है, क्योंकि जब आपको ऑप्शंस में सारे वर्ब्स दिए होंगे और एक ही फॉर्म के दिए होंगे या सारे एडजेक्टिव्स दिए होंगे, तो कैसे पता चलेगा कौन सा एडजेक्टिव आंसर में रखना है और कौन सा रिजेक्ट करना है। उसके लिए पैसेज किस बारे में, किस डायरेक्शन में बात कर रहा है ये पता होना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन कहता है, दिस समर 41 UBC alumni and friends participated in expeditions to the Canadian Arctic and the legendary Northwest Passage presentations, conversations and learnings accompanied their exploration of the Great Dash aboard the Russian-flagged academic loaf. बहुत लंबा सेंटेंस, बहुत सारे ऐसे वर्ड जो हमें समझ आते हैं और कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनके मीनिंग मुझे नहीं आते, लेकिन इतना पढ़ के ये समझ आ गया कि ये एलुमनाई स्कूल्स में होती है, एलुमनाई मीट, पुराने लोग मिलते हैं जहाँ पे जो स्कूल से पास आउट है, गेट टुगेदर होती है, उसको एलुमनाई मीट कहते हैं। ऐसे कुछ लोग साथ में आ रहे हैं और वो कर क्या रहे हैं, उन्होंने आपको एग्जांपल्स दी हुई हैं। अकम्पनीड देयर एक्सप्लोरेशन ऑफ द ग्रेट डैश अबोर्ड द रशियन फ्लैग्ड एकेडेमिक लॉफ डिजाइंड एंड बिल्ट इन फिनलैंड एज अ साइंटिफिक रिसर्च वेसल इन 1989। फर्स्ट ब्लैंक है ग्रेट के बाद। ग्रेट क्या होता है बेटा, कौन सा फॉर्म ऑफ वर्ड है, वर्ब है, नाउन है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, क्या है? आप महान है, यू आर ग्रेट, तो ये आपकी विशेषता बता रहा है। तो यानी ग्रेट वर्ड किसी की विशेषता बताता है, विशेषता बताने वाले अक्षर को क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव। तो ब्लैंक से बिल्कुल पहले मेरे पास एडजेक्टिव दिया हुआ है, उसके बाद है डैश और उसके बाद वर्ड है अबोर्ड। चार ऑप्शंस दी हुई हैं। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, सेकंड आउटस्कर्ट, आउटसाइड, और लास्ट ये मैंने इसीलिए इतनी बार लिखा है क्योंकि जब आप लोग कुछ सुनते हैं ना, अभी मैंने बोला, आपने बोला सीन, मैंने लिखा ये एन पे स्टॉप किया, फिर आपने बोला सीन, फिर आपने मुझे स्पेलिंग बताया SCENE। हर क्वेश्चन कुछ ना कुछ सिखाएगा। बात तो हम रीडिंग एंड राइटिंग ब्लैंक्स की कर रहे हैं, लिसनिंग के केस में स्पेलिंग्स का ध्यान रखिएगा। और ये रीज़न है जब आप कहते हो हमने इतना अच्छा किया, सब कुछ सही लिखा, नंबर फिर भी नहीं आ रहे, तो नंबर कहाँ से आएंगे? वो सीन सीनरी वाले की बात कर रहा है, आप सीन देखने को कह रहे हो। कॉन्टेक्स्ट सिर्फ रीडिंग में ही ज़रूरी नहीं है, कॉन्टेक्स्ट लिसनिंग के फिल इन द ब्लैंक्स को भी परफेक्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो जो आपके बेसिक ग्रामर के रूल्स हैं जो हम रीडिंग में अप्लाई करेंगे, वो ही रूल्स हैं जो आपके लिसनिंग के ब्लैंक्स में भी अप्लाई होने हैं, क्योंकि यहाँ पे सीन सीन तो कर रहे हो, वहाँ पे कोई स्पेलिंग बताएगा SCENE? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ने बताना है आपको ऐसा कुछ? ऑफकोर्स नॉट। पहला अक्षर था ग्रेट, ग्रेट के बाद है डैश और डैश के बाद लिखा हुआ है अबोर्ड। अबोर्ड का मतलब क्या होता है? दैट इज अब्रॉड, ये अबोर्ड है। शायद कभी अगर फ्लाइट की अटेंडेंस की कभी वो सुनी हो, वेलकम अबोर्ड, वेलकम अबोर्ड। किसी शिप पे जब जाते हैं, किसी प्लेन पे जब जाते हैं, है ना, तो जब उस चीज़ पे चढ़ते हो, आप बैठते हो ना फ्लाइट में या शिप पे, तो वो यही बोलते हैं वेलकम अबोर्ड।
when you get onto something, get onto a flight, an aeroplane, or get onto a ship, तो अबोर्ड का मतलब होता है, जैसे इस बच्चे ने कंफ्यूज किया, अबोर्ड है, अब्रॉड नहीं है, अब्रॉड इज ओवरसीज, बाहर, फर्स्ट वर्ल्ड फॉरेन नेशंस, दोनों वर्ड्स में फर्क है. ग्रेट डैश अबोर्ड, आगे जो भी पर्सन्स का नाम लिखा हुआ है. ये चार ऑप्शंस हैं. आंसर आप लोगों ने क्या लिखा है वो बताइए. चलिए पढ़ते हैं. अकंपनीड देयर एक्सप्लोरेशन ऑफ द ग्रेट व्यू अबोर्ड द रशियन फ्लैग्ड एकेडमिक लॉफ डिजाइंड एंड बिल्ट इन फिनलैंड एज अ साइंटिफिक रिसर्च वेसल इन 1989. वेसल बना, साइंटिफिक रिसर्च वेसल बना है 1989 में, तो उसका व्यू बहुत अच्छा होगा. चारों ऑप्शंस एक एक करके बोल दीजिए क्योंकि एक आंसर तो हो गई, अंडरस्टूड है. तो कुछ बच्चे व्यू बोल दो, कुछ सीन बोल दो, बाकी आउटसाइड बोल दो और टीचर आपको सही आंसर बता ही देगी. द करेक्ट आंसर आउट ऑफ दीज फोर ऑप्शंस इज आउटडोर्स. सबसे पहली चीज जो ध्यान रखनी चाहिए थी, एडजेक्टिव प्रेपोजिशन है ये. गेट ऑन टू समथिंग, जैसे इन, ऑन, ऑन टू, इन टू होता है ना, वैसे ही अबोर्ड है, प्रेपोजिशन है. एडजेक्टिव के बाद नाउन ऑलरेडी प्लेस्ड है, रशियन फ्लैग्ड एकेडमिक लॉफ, नाउन उसके बाद लिखा है तो नाउन रिपीट नहीं होगा. दिस प्लेस वॉज फॉर एन एडवर्ब. यहाँ पे आउटडोर्स वर्ड एडवर्ब की तरह यूज हुआ है. सेंटेंस एक बार और ध्यान से पढ़ लो. कन्वर्सेशंस एंड लर्निंग अकंपनीड देयर एक्सप्लोरेशन. एक्सप्लोरेशन क्या होता है, किसी चीज को एक्सप्लोर करना, ढूंढना, देखना. ऑफ द ग्रेट आउटडोर्स अबोर्ड द रशियन फ्लैग्ड एकेडमिक लॉफ डिजाइंड एंड बिल्ट इन फिनलैंड एज अ साइंटिफिक रिसर्च वेसल इन 1989. आगे कहता है, हर ब्रिज वॉज ओपन टू पैसेंजर्स. हर ब्रिज वॉज ओपन टू पैसेंजर्स. हर ब्रिज, किसका ब्रिज है ये, वेसल का, जो उन्होंने सन 1989 में बनाई है. वर्चुअली 24 आवर्स अ डे एक्सपर्ट्स ऑन डैश प्रेजेंटेड ऑन टॉपिक्स. चार ऑप्शंस हैं, बोर्ड, बोर्ड, शिप, अबोर्ड. एक्सपर्ट्स ऑन, अभी मैंने आपको अबोर्ड का मतलब बताया, किसी चीज में बैठना, शिप में, प्लेन में, ऐसी चीजों के लिए. एक्सपर्ट्स ऑन, बैठेंगे किसी चीज पे, ऑन के साथ किसी चीज के बैठने का मतलब फिट हो रहा है. एक्सपर्ट्स ऑन बोर्ड, बी ओ ए आर डी इज योर सेकेंड आंसर. जैसे आप बोलते हो सेंट्रल बोर्ड, स्कूल का ये बोर्ड है ना, सीबीएसई के बोर्ड का चेयरमैन ये है, तो बोर्ड क्या होता है, कम्युनिटी, एक ऑर्गेनाइजेशन. तो यहाँ पे एक्सपर्ट्स की जो ऑर्गेनाइजेशन है उसी का दूसरा टर्म यूज किया हुआ है, बोर्ड. आपके लिए नया वर्ड नहीं है, इतना कंफ्यूज मत होइए. वर्ड्स को रिलेट करो उन जगहों से जहां ऑलरेडी ये अक्षर सुने हुए हैं. किसने नहीं सुना हुआ सेंट्रल बोर्ड वर्ड, हर बच्चे ने सुना है क्योंकि हर बच्चे ने प्लस टू तो कर ही ली हुई है, सुना हुआ है ना. बोर्ड इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पीपल, जो उस चीज में है उनको सब कहते हैं बोर्ड. आंसर सेकेंड है बोर्ड. एक्सपर्ट्स ऑन बोर्ड प्रेजेंटेड ऑन टॉपिक्स इंक्लूडिंग क्लाइमेट चेंज, वाइल्ड लाइफ, इनुइट कल्चर एंड हिस्ट्री एंड अर्ली यूरोपियन एक्सप्लोरर्स. यूबीसी प्रोफेसर माइकल बायर्स प्रेजेंटेड ऑन द इशू ऑफ आर्कटिक सोवरेनिटी अ डैश कॉज ऑफ डिबेट. चार वर्ड्स हैं, स्लाइट, ग्रोइंग, डिसअपेयरिंग. फोर ऑप्शंस है, स्लाइट, ग्रोइंग, डिसअपेयरिंग और फोर्थ क्या है, टाइनी. जब हम शुरू में कहते हैं कि कॉन्टेक्स्ट पढ़ो, तो वो इसलिए जरूरी है क्योंकि बेटा अब कोई प्रॉब्लम है तभी उस पर बातचीत होगी.
यही कह रहा है ना वो, डिबेट हो रही है, बातचीत हो रही है, बहस हो रही है, डिबेट, कुछ लोग कुछ कह रहे हैं, कुछ कुछ कह रहे हैं, यही होता है डिबेट। यस, फॉर द मोशन, अगेंस्ट द मोशन बोलते हैं कुछ लोग। डिबेट किन चीज़ों पे होती है? जिनकी कोई ज़रूरत हो, जो टॉपिक्स इम्पॉर्टेंट हो। अगर ये टॉपिक डिसअपियरिंग होते और टाइम ही होते तो इनके बारे में डिबेट होती, क्योंकि ये दोनों तो टर्म्स ही डिबेट के साथ मैच नहीं हो रही है। वार्तालाप हो रही है किसी बात पे, इसका मतलब वो इम्पॉर्टेंट है, तभी उस पर कोई डिस्कशंस होंगे। दो वर्ड्स तो वैसे ही कैंसिल हो गए। स्लाइट भी अगेन ऑपोजिट मीनिंग वाला वर्ड है, सिर्फ एक लौता वर्ड ऐसा है जो यहाँ पे मैच करता है। द आंसर इज ग्रोइंग। इतना तो देख ही लोगे कि आईएनजी फॉर्म आनी है, आईएनजी में दो अक्षर है, ग्रोइंग एंड डिसअपेयरिंग। डिसअपेयरिंग क्यों नहीं आया? क्योंकि वो कॉन्टेक्स्ट को ही नहीं मेल खाता। ग्रोइंग कॉज ऑफ डिबेट एज आइस मेल्ट्स, न्यू शिपिंग रूट्स ओपन एंड नेचुरल रिसोर्सेज डैश असेसिबल। चार ऑप्शंस अगेन, वर बिकम, टर्न, बिकम, बिकेम। बोलिए जी, बिकम श्योर क्यों? वर बिकम आ सकता है, ब्लैंक से पहले के थोड़े से वर्ड्स पढ़ोगे। कॉज ऑफ डिबेट एज आइस मेल्ट्स, आइस मेल्ट्स प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट चल रहा है। अगला अक्षर न्यू शिपिंग रूट्स ओपन, अभी हो रही है, प्रेजेंट में चल रहा है। एंड नेचुरल रिसोर्सेज डैश असेसिबल, तो आपके आंसर वर, वॉज और थर्ड फॉर्म वाले कहाँ से हो जाएंगे जी? जब सेंटेंस ही प्रेजेंट में चल रही है तो आंसर पास्ट में क्यों होगा? क्या आएगा आंसर? बिकम असेसेबल, असेसेबल मतलब विद इन द रीच, जो हमारी रीच के अंदर है। फर्स्ट फोर ब्लैंक्स क्लियर? नेक्स्ट पैसेज पे आइए, कम टू द थर्ड पैराग्राफ। चलो थर्ड पैसेज पे आओ, क्वेश्चन नंबर थ्री। The paragraph says, it is tempting to try to prove that good looks win votes. Tempting क्या होता है? शायद खाने पीने को लेके कभी ये टर्म सुनी हो, tempt होना। चॉकलेट का नाम है temptations, something that you like to do, something like doing, like eating, मन करता है ये चीज़ खाने का, तो ये tempting है। Yes, it is tempting to try to prove that good looks win votes, and many academics have tried. The dash is that beauty is in the eye of the dash. यही सेंटेंस है, आर्टिकल लगा हुआ है, आर्टिकल है ना ये, आर्टिकल के बाद क्या वर्ड आता है? नाउन आता है, इतना सबको पता है, नाउन आता है, नॉट नेसेसरी, नाउन आएगा। चार वर्ड दिए हुए हैं ऑप्शन में, प्रिंसिपल, आइडिया, डिफिकल्टी, कॉन्सेप्ट। कौन सा लगता है आपको आंसर होगा? जो आप कहेंगे मैं आज वही फिट करूंगी और आगे देखेंगे वो गलत क्यों है। द प्रिंसिपल मतलब मैंने सही कहा था कि आगे देखेंगे ये गलत क्यों है, क्योंकि ये गलत है। अब देखते हैं कैसे पता चलेगा क्यों आया ये गलत। द प्रिंसिपल इज दैट ब्यूटी इज इन द आई ऑफ द, जो कॉलोकेशंस और फिक्स्ड फ्रेजेज है ना, उन लिस्ट्स को कभी कभी टेलीग्राम से ओपन करके थोड़ा सा पढ़ लो, ज़्यादा नहीं, क्योंकि ज़्यादा में प्रॉब्लम हो जाएगी आपको।
थोड़ा सा पढ़ लें, प्रॉब्लम ना हो. इतना कॉमन फ्रेज है, ब्यूटी इज इन द आई ऑफ द बिहोल्डर, सुंदरता देखने वालों की नजरों में होनी चाहिए तो सारी दुनिया अच्छी लगेगी. अब अगर ये फ्रेजेस कभी भी नहीं सुने होंगे तो ऑप्शंस को देख के सोचते रहोगे कि क्या आंसर आना चाहिए. फिक्स्ड आंसर था ये, कोई इसमें आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं थी. ओनली एंड ओनली अगर आपने कभी कॉमन सेंस और अवेयरनेस से रीड किया होगा तो ये आता ही होगा. ब्यूटी इज इन द आई ऑफ द बिहोल्डर. आगे क्या कहता है, एंड यू कैनॉट बिहोल्ड अ पॉलिटिशियंस फेस विदाउट अ वेल ऑफ एक्सट्रेनियस प्रेजुडाइज गेटिंग इन द वे. अब वो इस सुंदरता को एक पॉलिटिशियन के चेहरे के साथ कंपेयर कर रहा है. क्या कहता है, वेल. वेल क्या होता है जी, पर्दा. वी ई आई एल, वेल, पर्दा, टू कवर अप योर फेस. वेल ऑफ एक्सट्रेनियस प्रेजुडिस. प्रेजुडिस क्या होते हैं, पहले के फिक्स्ड नोशंस. अगर मुझे लगता है कि ये बच्चा शरारती है तो मेरा प्रेजुडिस है ये शरारती है, चाहे कितना भी पढ़ता हो. आई एम प्रेजुडिस टुवर्ड्स हिम. मैंने पहले ही सोच रखा है. और उसने यहाँ किसके चेहरे की बात की है, पॉलिटिकल फेसेस की बात की है. जो मेजॉरिटी सबके दिमाग में इमेज ही ऑलरेडी प्रेजुडिस है कि नेगेटिव ही होगी. एक्सट्रेनियस प्रेजुडिस गेटिंग इन द वे. वो कहता है कि किसी पॉलिटिशियन के बारे में आप बिना प्री कंसीव्ड नोशंस के बगैर डिस्कशन कर ही नहीं सकते. जो आपके पुराने विचार हैं वो रास्ते में आएंगे ही आएंगे. क्या प्री कंसीव्ड नोशंस रखना अच्छी चीज है, अपनी समझ से बताइए. आप कितने भी अच्छे हो, मुझे लग रहा है आप अच्छे नहीं हो, तो क्या मेरा ऐसा लगना सही है. बिना बेस के कोई भी चीज लगना तो सही नहीं है, नहीं ना. यहाँ पे आपका आंसर था द प्रिंसिपल इज दैट. इसका मतलब ये प्रिंसिपल तो है ही नहीं. प्रिंसिपल क्या होते हैं, जो फिक्स्ड नोशंस होते हैं किसी आधार पे बेस्ड है. इसका तो कोई आधार है नहीं, ये तो मुझे लग रहा है. अब नेक्स्ट गेस वर्क पे आओ, क्योंकि शायद नेक्स्ट भी गलत ही हो. लेट्स सी, बोलो. कॉन्सेप्ट्स भी बेटा रिसर्च पे बेस्ड होते हैं, तभी वो कॉन्सेप्ट बनते हैं क्योंकि उनमें रिसर्च बेस्ड होते हैं, अदरवाइज वो कॉन्सेप्ट्स नहीं हो सकते. तो प्रिंसिपल के बाद कॉन्सेप्ट तो सोचना भी नहीं. द डिफिकल्टी इज दैट, द आंसर इज डिफिकल्टी. वो कहता है मुश्किल ये है कि जब भी हम कुछ देखते हैं तो अपने दिमाग में पुरानी सोच के हिसाब से ही चीज़ों को देखते हैं, जबकि हमको फैक्ट्स पे देखना चाहिए, ना कि अपनी सोच और समझ पे और अपनी पसंद पे. सो द आंसर हियर इज द डिफिकल्टी इज दैट. द डिफिकल्टी इज दैट नाउन है. डिफिकल्टी आर्टिकल था, उसके बाद नाउन प्लेस किया, अगेन आर्टिकल था, उसके बाद नाउन प्लेस किया. बिहोल्डर, देखने वाले की नजरें. नेक्स्ट आ जाइए. डज जॉर्ज बुश पोजेस अ डिसआर्मिंग ग्रिन और अ फिटिशियस स्मोक इज द आंसर. स्मोक क्या होता है, चलाकी वाली हंसी. ठीक है, जब आप कनिंगली किसी चीज पे स्माइल करते हैं, स्मोक. ये आपका वर्ब है. फिसिटिश इज योर नाउन, उसके बाद डैश था, वर्ब की जगह खाली थी. चार ऑप्शंस थे, स्मेल, कॉम्प्लेक्शन, स्मर्क और बिंज. बिंज का मतलब पता है, इतना सोशल मीडिया यूज करते हो, कभी वर्ड कभी नहीं सुना बिंज. नहीं, शिल्पा शेट्टी का आता नहीं है संडे बिंज, जिसमें वो बहुत सारी स्वीट्स अलग अलग ट्राई करती है एंड शी कॉल्स इट द संडे बिंज. हाँ, देखी हुई है ना, तो वही अक्षर आपने कहीं ना कहीं सभी सुने हुए हैं. बस देख के एक्टिविटी है रोज की, 15-20 मिनट्स ऑन स्टडी एंड 200 मिनट्स ऑन इंस्टाग्राम. संडे बिंज, बिंज इज व्हेन यू हॉप ऑन टू समथिंग, कोई चीज को कंज्यूम करना. यहाँ पे तो किसी चीज की ऐसी कंज्यूम करने की बात ही नहीं हो रही है, कुछ खाने पीने की तो बात हो ही नहीं रही. वो किसी पर्सन की बात कर रहा है, कह रहा है डज जॉर्ज बुश. जॉर्ज बुश इज अ पर्सन. Possess a disarming grin. क्या उसके चेहरे पे एक disarming grin है, उसके expressions negative हैं, या फिर उसके face पे एक
उसके फेस पे देखो स्मेल भी नहीं हो सकती, आपको ऑप्शन में दिया हुआ है स्मेल। फेस पे कॉम्प्लेक्शन का भी कोई बात नहीं हो रही यहाँ पे, सोच और विचार की बात हो रही है। तो स्मेल रिजेक्ट हो गया, कॉम्प्लेक्शन मीनिंग के हिसाब से रिजेक्ट हो गया। नेक्स्ट आता है स्मर्क और बिंज। स्मर्क आंसर इसलिए हुआ क्योंकि मेरे को आई कंप्लीटली एग्री कि पेपर में कोई मतलब बताने नहीं आएगा, और शायद मुझे स्मर्क का मतलब भी नहीं पता था, पर मेरे को पहले दो अक्षरों का मतलब तो पता था। स्मेल का मतलब पता है, कॉम्प्लेक्शन का मतलब पता है, जो दोनों मेरे कॉन्टेक्स्ट में मैच नहीं हो रहे थे, कैंसिल हो गई दो ऑप्शंस, बची गई दो ऑप्शंस स्मर्क और बिंज। बिंज मैंने कैसे याद करा, बिंज जो मैंने सोशल मीडिया पे देखा हुआ है शिल्पा शेट्टी से। बिल्कुल जी, अब आपको हमेशा याद रहेगा। टू ईट समथिंग, टू हॉप ऑन टू समथिंग, टू कंज्यूम समथिंग, तो चेहरे पे कंजम्पशन की कोई बात नहीं हो रही, इसलिए वो भी कैंसिल। अब स्मर्क का मीनिंग नहीं भी आता तो जिनके मीनिंग आते थे वो फिट ही नहीं हुए, तो जो बच गया वो आंसर फिट कर दिया। जरूरी नहीं है हर बार आप जो चीज फिट करोगे उसका मीनिंग आपको पता ही हो। जब हम रिजेक्ट करते हैं ऑप्शंस तो उसमें पहले वो चीजें देखा करो जिनके मीनिंग आते हैं, क्योंकि वहां तो आप 100% श्योर हो ये फिट हो पा रहा है कि नहीं, क्योंकि आपको अक्षर का मतलब पता है। जहां मतलब ही नहीं पता, अगर कुछ भी नहीं है, देन ट्राई टू प्लेस दैट वर्ड। जो आपके पास लास्ट ऑप्शन एक ही बची थी, स्मोक। लास्ट लाइन, इट्स हार्ड टू फाइंड एनीवन हु कैन लुक एट द प्रेसिडेंट विदाउट असेसिंग हिम पॉलिटिकली। वर्ड्स पे ध्यान दीजिए, वो कहता है इट्स हार्ड टू फाइंड एनीवन, कोई भी व्यक्ति शायद ही ऐसा मिले, हु कैन लुक एट द प्रेसिडेंट, जो प्रेसिडेंट की तरफ देख पाए विदाउट असेसिंग हिम पॉलिटिकली, बिना उसको पॉलिटिकली असेस करे, भला बुरा सोचे पॉलिटिकली, एज वेल एज डैश। मैंने दो बार रिपीट किया सेंटेंस, ऑब्वियसली फॉर अ रीजन ही किया होगा। पहली लाइन में वर्ड है इट्स हार्ड टू फाइंड एनीवन हु कैन लुक मतलब देखना, टर्म्स में कोई देखने से रिलेटेड ऑप्शन दी हुई है, तो बस जी फिजिकली इज योर आंसर। एडवर्ब की जगह है, सारे एडवर्ब्स दिए हुए हैं, कौन सा एडवर्ब आएगा, कोई 100% कोई तुक्का कोई गेस वर्क नहीं है इसमें। उसने लिखा हुआ है प्रेसिडेंट की तरफ कोई भी नहीं देखता बिना प्रीसेट नोशंस के, तो देखने का मतलब फिजिकल अपीयरेंस ही हुई ना, देखने का मतलब देखने में कैसे कल्चरली पता चलता है, इम्पॉसिबल है पता चलना। आंसर इज फिजिकली अपीयरेंस, क्योंकि उसने लुक की बात की है पैसेज में। इतना क्लियर है? यस। फॉर फर्दर क्वेश्चंस वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।